सो गाइस एलविस यादव और फुकरा इंसान जब बिग बॉस में गए थे उसके बाद जब एलविस यादव बिग बॉस को जीते इसके बाद फुकरा इंसान के फैंस और एलविस यादव के फैंस ना भाई एक दूसरे को ट्रोलिंग करने ना रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो इसी के ऊपर ना फुकरा इंसान और फुकरा इंसान के फैंस का कहना है कि तुम ना वोटिंग के बेसिस पे जीत सकते हो। और उसी ईसीएल के पहले ना फुकरा इंसान और फुकरा इंसान के फैंस कहते थे कि इस बार तो ना भाई हम ही जीतने वाले ट्रॉफी को और एलविस यादव को हराएंगे। लेकिन इसका भी रिजल्ट ना कुछ उल्टा हो गया, एलविस यादव जीत गए। और जब से एलविस यादव बिग बॉस जीते ना उसके बाद ना एलविस यादव को काफी सारे ना अपॉर्चुनिटीज मिलती जा रही है मूवी की सॉन्ग की और भाई काफी सारे शो भी प्लेग्राउंड और रोडीज भी कर रहे हैं। तो इसी के ऊपर फुकरा इंसान का ना एक इंटरव्यू में कहना है कि भाई मुझे भी ना इन सभी शो के लिए ना भाई ऑफर आया था लेकिन मैंने ना फिलहाल के लिए अभी रिजेक्ट कर दिया और जो भी भाई उछल रहे ना वो भाई वोटिंग के बेसिस पे जीतते थे। तो इन सभी चीजों के ऊपर रिप्ले करते हुए एलविस यादव ने क्या कहा वो आप यहाँ पे देख सकते हो। हमने बिग बॉस करा हम बिग बॉस जीते, हमने प्ले ग्राउंड करा हम प्ले ग्राउंड जीते, हम टेम्पटेशन आइलैंड में गेस्ट होस्ट गए और उसके बाद हमने ईसीएल करा, ईसीएल में जीते हम लोग, बहुत लोगों के वहम तोड़े उसमें हमने वोटिंग वाला तो फिजिकल गेम में तोड़े। उसके बाद हमें भगवान की दया से एक दोबारा प्ले ग्राउंड सीजन 4 आ गया, वो चली रहा है मतलब अभी चली रहा है उसमें दोबारा जज भगवान के दया से, मतलब इतने ग्रेटफुल फील करते हैं हम लोग। और रोडीज उसके बाद सबसे बड़ी चीज जो लाइफ में दोबारा आई वो है रोडीज आफ्टर बिग बॉस। भाई रोडीज बहुत बड़ा शो है, 20 साल से चलता रहा है वो हमारी लाइफ में आया। अब रोडीज के बाद 2-3 चीजें और साइन करी हूं मैं जो बताऊंगा नहीं, बड़ी चीज़ वो भी बहुत बड़ी है, मूवी का तो बता ही सकता हूं। सबसे बड़ी भी है मतलब तो बड़ी है क्या जो आने वाली है। वेल गाइस आई होप कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि एलविस यादव क्या कहना चाहते हैं। अगर आप लोगों को पता चल गया तो मुझे कमेंट में बताना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए तो इतनी न्यूज़ थी, मिलते बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।